बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना का काम समय से चल रहा है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है। यह जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा के प्रश्न का जवाब देते हुए दी। सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न के माध्यम से केन बेतवा लिंक परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से इसका जवाब गुरुवार को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें कहा गया कि परियोजना का काम समय से चल रहा है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनकर तैयार हो चुकी है। इसके अनुसार इस परियोजना से मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जा सकेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह और दतिया जिलों तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिलों में करीब 62 लाख लोगों को पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए वित्त पोषण संबंधी व्यवस्था अगर पूरी कर ली गई है तो कृपया इसका विवरण माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूँ। केन बेतवा लिंक परियोजना को फाइनल रूप देने के लिए सेंट्रल वाटर काउंसिल की टीम का जो निरीक्षण किया जाना है क्या वह पूरा कर लिया गया है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मैं सदस्य का माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना के विषय में जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है उसका स्वागत किया है, धन्यवाद दिया। क्योंकि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना केवल दो नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम मात्र नहीं है। देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाज जमाने से जिस विषय पर चर्चा हो रही थी कि हम सरप्लस बेसिस से डेफिसिट बेसिस में पानी को ट्रांसफर करें, उस दिशा में एक नए युग की शुरुआत है। और 22 मार्च 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति में माननीय देश की सरकार और दोनों प्रदेशों की सरकार के बीच में इस पर समझौता हस्ताक्षरित हो चुका है। पीआईबी की अप्रूवल जो है उसके लिए मिल चुकी है। इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद में अब ये कैबिनेट के पास में विचाराधीन है। एक बार कैबिनेट की अप्रूवल होने के बाद में जो सारे विषय माननीय सदस्य ने अभी रेज किए हैं उन सब विषयों पर कार्रवाई होगी।